वेलकम टू द ब्लॉग। आज का ब्लॉग है पहलगाम, बेताब वैली और आरू वैली का। बच्चे लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं और इसके बाद हम निकलेंगे रेडी होकर पहलगाम के लिए। ये स्टे था श्रीनगर होटल हेरिटेज का, जहाँ से चेकआउट करके हम पहलगाम के लिए निकल गए। श्रीनगर और पहलगाम के बीच ड्राइवर ने हमको ड्राई फ्रूट और सैफ्रॉन के शॉपिंग के लिए रुकाया था, जहाँ पर एक्चुअली उन लोग ने कैसे हार्वेस्टिंग होता है वो बताया। और एक्चुअल फ्लावर ऐसा होता है, इसके जो रेड स्टैंड है वही सैफ्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद हमको ले गया उसने एप्पल फार्म में, जहाँ पर हमने हैंड पिक्ड एप्पल लिए और खाया। बहुत ही टेस्टी होता है, ट्रस्ट मी गाइस, वहाँ के वो एप्पल्स वहीं पर खाने का मज़ा अलग ही है। सेम एप्पल हमने मुंबई में लाके खाया, उसका टेस्ट टोटली चेंज था। आई डोंट नो हाउ इट इज़ के चेंज हो जाता है टेस्ट, बट सीरियसली वो कहते हैं ना, जहाँ की चीज़ वहीं खाओ। ये रहे पहलगाम के सलमान भाई, जिन्होंने हमारा स्वागत बहुत ही स्वैग से किया, टक्कर मारते हुए। ये अब हम एंटर कर चुके हैं बेताब वैली। यही है बेताब वैली का मेन स्पॉट, जहाँ पर मैक्सिमम शूटिंग्स होती है कश्मीर में। और फाइनली मुझे मिला वो जो मैंने हमेशा फैंटेसाइज किया था, एक छोटा सा ट्री हाउस। ये देखने में तो क्यूट लग रहा है, छोटा सा, बट अंदर से उतना ही हॉरिफिक था। बेताब वैली कवर हो चुका था, अब हम निकल पड़े दाकू वैली से होते हुए आरू वैली, जहाँ पर हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, थोड़े मीम्स बनाए, थोड़े रील्स बनाए और एंजॉय करके हम फिर रूम को लौट। नहीं,